आकाशवाणी खरसाङमा कार्यरत कर्मचारी रमेश कुमार मगरान्तीको विदाई समारोह सम्पन्न भएको छ। आकाशवाणी खरसाङका कार्यक्रम प्रमुख पारस चन्द्र आले र इन्जिनियरिङ प्रमुख डी मुखर्जीको विशेष उपस्थितिमा रमेश कुमार मगरान्तीको विदाई समारोह सम्पन्न भयो। कार्यक्रम संयोजक राजीव सुब्बा र उमेश कुमार कार्कीडोलीको सञ्चालनमा सम्पन्न विदाई कार्यक्रममा नवराज राई र जुना निरौलाले कविता पठन गरेका थिए भने सिल्भेस्टर लेप्चाद्वारा नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसरी नै सञ्जय रावत ललित सेवाले गीत प्रस्तुत गरेका थिए। 18 अगस्त 2006 आकाशवाणी खरसाङमा कार्य सुरु गरेका रमेश कुमार मगरान्ती 31 मार्च 2021 दिन अवकाश प्राप्त भएका छन्। उनलाई कार्यक्रममा कार्यक्रम प्रमुख पारस चन्द्र आले र इन्जिनियरिङ प्रमुख डी मुखर्जीको बाहुलीबाट सम्बर्धना पत्र स्मृति चिन्ह र उपहार प्रदान गरी सम्मान गरिएको छ। सबैले जोरदार ताली बजाएर उनलाई सम्मान जनाउँदैछ। त्यसरी नै मोमेन्टो जो तयार गरिएको छ, मोमेन्टो इन्जिनियरिङ हेडको तर्फबाट हामी दिनेछौँ। थ्याङ्क यू। त्यसरी नै हाम्रो आलोदेशको हातबाट सम्झना स्वरूप यहाँलाई सानो उपहार उपहार स्वरूप प्रेम स्वरूप यो उपहार हुन्छ। धन्यवाद। तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। मलाई दुई शब्द बोल्नु दिनु भनेर म दुई शब्द होइन चार शब्दै बोल्न दिन्छु। मगरान्ती बाट सिधा मान्छे हो। उहाँले अहिले जुन कुरा राख्नुभयो, मैले उहाँलाई पहिलादेखि चिन्थेँ। उसलाई मैले अब बिचमा कराउँथेँ, तर कराएको त होइन, उसलाई उसलाई मैले माया गरेको। बिचमा बिमार पनि भयो, हस्पिटलाइज भयो, मलाई पुरा सुर्ता लागेको थियो। यो भाइ चाहिँ यस्तो कि यहाँनिर हामीले पहिला आफू पकाएर खाने गर्थ्यौँ, फेयरवेलहरू हुन्थ्यो, कुनै पनि प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो। त्यो भाइलाई मैले पहिल्यै रिङ गर्थेँ, ऊ ड्युटी नहुँदाखेरि पनि ऊ सिलगढीबाट आउने मान्छे, यस्तो मान्छे हो। नगरेर म अति आदरणीय मेरा सिनियर मुखर्जी दा, हामी आफ्नै आउँदैछौँ। कारणमा यही जानुहुने रमेश दाई, रमेश कुमार मगरान्ती भनेको एकजना लरतरो मान्छे होइनन् नि। 22 वर्ष आर्मीमा सेवा दिएर, देशको रक्षामा सेवा दिएर, फेरि झन्डै झन्डै 15-16 वर्ष हामीसित यहाँ मिसिनु भयो र हाम्रो यत्रो ठुलो अर्गनाइजेसनको सुरक्षामा यहाँ जुटिनु भयो। अघि मुखर्जी सरले भन्नुभयो कि साक्षात अब हामी यसो अरे धेरैवटा विश्वासहरूमा यसो पनि भनिन्छ सबै जैसे जन्म लेने से मरना है, नौकरी जब मिला तो रिटायर सबको होना ही है, एक नॉर्मल प्रोसेस हो गया। इसके लिए दुख का कोई बात नहीं, आज वो हो रहा है, कल हम होंगे, कोई दूसरा होंगे, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन जब से मैं आया हूँ, सबसे याद आता है जब ऑफिस में घुसता हूँ, पहले सिक्योरिटी गार्ड को ही हम पहले देखते हैं। जब ऑफिस में जब ऑफिस काम खत्म करने के बाद हम जब जाते हैं, उसी को ही हम देखते हैं। तो जब घर में जाते हैं, ऑफिस करके जब घर में लौटते हैं, तो किसको याद आते हैं? उसी को ही याद आते हैं। हमको आज ही 31 मार्च है, तो
हमको सबसे यही मैंने दुख का बात है जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट में कोई नहीं रहा है, लेकिन परमानेंट पोस्ट में कोई नहीं रहा, दिस इज द लास्ट पर्सन, एक नंबर बात है। दूसरी बात मेरे दीदी में ऐसा मेरे अनुरोध था, कुछ किसी को मेरे भूल भाई होगा, कुछ किसी को गलती भाई होगा, ड्यूटी में होगा, खर्चा खर्चा होगा, लेन देन में था, क्लियर करने पड़ता, मुझे जानने वाला मन से मैं कुछ किसी को धोखाधड़ी या सब मैं सुनना चाहती न मेरे ऑफिस को सदस्य सुनना चाहो न मैं सुनना चाहती मेरे अनि आफ्नोपन र आफन्तपनको एक अति प्रिय मिलनसार व्यक्तित्व जो सधैँ बाँचिरहनु हुनेछ हाँसिरहनु